वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज मेरा सवाल उन्हां कुछ भेडां नूं है जो भेडां पिछले दिन ही बहुत मैं बै कर रही सी कि निहंग सिंघां ने एक व्यक्ति नूं मारता, वह व्यक्ति गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी करन आया सी। अज भेडां चुप क्यों हन? दिल्ली विच एक सिख नौजवान नूं बड़ा बेरहमी नाल चौंक दे विच कुट कुट के मारता, जे भेडां कित्थे है? अज लोकतंत्र कित्थे है? अज मैं उन्हां भेडां नूं पुछना चाहनी हां, जापू बड़े बुद्धिजीवी नूं पुछना चाहनी हां, कि अज तुहाडी जीभ नूं नकवा हो गया? अज तुहाडी जीभ क्यों नहीं बोल रही? अज तुहाडी जीभ नूं तारे क्यों लग गए? तुसीं RSS दे एजेंट हो, खांदे भी सिखां दा, रहिंदे भी सिखी भेस चों, ते तुसीं उल्ट भी सिखां दा ही बोलना हुंदा। तुसीं हो RSS दे एजेंट, जिन्ना का RSS बोलन नूं कहिंदे उन्ना ही बोलदे हो। अज दिल्ली विच ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1984 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਚ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਨਸੂਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵੇਸਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਆਪੂ ਬਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। पिछले दिन इन्होंने इन्ना अग पाई सी, कानून का राज है, लोकतंत्र है, प्रशासन नूं देना चाहिए सी। उदों तां मसला बहुत वड्डा सी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेदबी करन आया सी, जो कि कोई भी सिख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज ओह भेडां चुप क्यों हन? RSS दीआं रखीआं हुईआं भेडां, RSS दे कुत्ते, RSS दी दुर्की दे पलण वाले सिखां दे भेस विच सिखां दे ही खांदे आ, सिखां दे नां ते ही रहिंदे आ, ते सिखां दे नां ते इहनां दे बैंक बैलेंस बणदे आ, प्रचार भी सिखी दा ही करदे आ। पर अपग्रेड भेडां अज साडे सिखी ते कलंक है, इहनां भेडां नूं बोलना चाहीदा सी, हादा नारा मारना चाहिदा सी भेडां नूं, क्योंकि इन्हां भेडां दी गल भी कई लोग सुणदे आ। मैनूं बड़ा दुख आउंदा है कि असीं किधर नूं चले गए, अज कित्थे आ लोकतंत्र? किन्ने साल आजाद होए नूं लगे सानूं बेगानगी दा अहसास कराया जांदा है, सानूं जुत्थेदार लगे कोह कोह के मारिया जांदा है। मैं फिर भेडां नूं चैलेंज करदी आ, भेडां जां तां कदे वी ना बोलिया करो, जो हर विषय ते बोलिया करो। हुण भेडां दीआं क्यों हो गईआं? इह भेडां RSS दीआं छड्डीआं हुईआं, इह सिक्खी नूं बदनाम करन वास्ते। इह भेडां अज अकाल तख्त साहिब दा जथेदार क्यों चुप है? अज बीबी जगीर कौर क्यों चुप है? अज तुहाडा दिल्ली वाला साडे इक सिख नौजवान बच्चे नूं कोह कोह के मारता एडी बेरहमी नाल। उही दिन चल रहे नवंबर 84 वाले, हजे वह इंसाफ नहीं मिलिया, वह नसूर बन गए जख्म, कोई इंसाफ नहीं मिलिया। पर इंसाफ देना किन्ने है? जिस कौम दीआं सरबराही भेडां बनियां फिरदियां, वह भेडां नूं कई लोग सुणदे भी है। मैं उन्हां भेडां नूं फिर लाभत पाउनी आ, ते भेडो RSS दी एजेंटी करदे हो, सब नूं चानण हो गया तुहाडा। यह भेडा भौकदियां सी कि निहंगा ने ऐ करता, निहंगा ने ऐ करता, वह कोई किसी से वादा नहीं किया, साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी करन आया सी। पर यह भेडा अज चुप है, जदों एक मासूम बच्चे नूं न्याय दवाना सी। मैं भेडा नूं फिर कहनी हां कि अज फिर भेडा बोलन, ताकि आपदे ते लग्या इह कलंक धो देण। यह RSS दे एजेंट है, सिखी दा ही भेस चढ़ांदे आ, सिखी दा ही खांदे आ, सिखी दा ही प्रचार करदे आ, पर जदों ढाल आउणी हुंदी आ सिखी नूं ही ढाल आउंदे आ, क्योंकि यह मखोटे पाए हुए इन्होंने सिख नहीं। यह इन्हां भेडां नूं लानत है, करोड़ करोड़ वारी लानत है। जे एक मासूम बच्चा मरिया दिल्ली विच, कोह कोह के मारिया चौंक दे विचाले, अज यह भेडा क्यों नहीं लोकतंत्र की गल करदियां? अज भेडा क्यों नहीं कहिंदियां कि कानून दे हिसाब नाल होना चाहिए? चाहे किन्ना भी कुछ किया होवे, पर हर कम का कानून है। अज भेडा नूं मेरे वल्लों करोड़ करोड़ लानत है। अज किड्डा वड्डा वार त्यौहार दा दिन सी, बंदी छोड़ दिवस, पर साडा मन रो रिहा है। अज भेडा नूं मैं लानता पाउनी इन्हां भेडा नूं, जिन्हां दे मगर कई लोग सुणदे वी इन्हां भेडा नूं। इन्नियां बेनतियां प्रवान, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।